प्राचीन भारत का इतिहास। तो शुरू करते हैं टॉपिक इतिहास। इतिहास होता क्या है? इतिहास अतीत की घटनाओं का विवरण। अतीत की घटनाओं का जो विवरण होता है वो हमारे पास इतिहास कहलाता है, ठीक है, हिस्ट्री। ओके, तो अतीत की घटनाओं का जो विवरण होता है इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के जनक किसे कहा गया है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा गया है? हेरोडोटस। अब अध्ययन की दृष्टि को जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसे तीन भागों में बांटा गया है। तो अध्ययन की दृष्टि से इतिहास के तीन भाग हैं। कौन कौन से रहेंगे तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट रहेगा हमारे पास प्रागैतिहासिक काल जिसको कहा जाता है प्रीहिस्ट्रिक पीरियड। नेक्स्ट रहेगा आद्र ऐतिहासिक काल, इसको कहा जाता है प्रोहिस्ट्रिक पीरियड। एंड लास्ट रहेगा हमारे पास ऐतिहासिक काल जिसे कहा गया है हिस्ट्रिक पीरियड। ओके, तो अब देखेंगे हम कि इसके जो तीन भाग हैं हिस्ट्री के, इसमें क्या क्या कवर किया गया है, किस किस प्रकार की यहाँ पर इतिहास की चर्चा की गई है। तो हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है ये बहुत लंबी समय अवधि रही है, तो इसके भी आगे चल के हमारे पास दो भाग रहेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले देखेंगे कि होता क्या है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसमें क्या था, जो पूरा जो काल था इसे कहा जाता है आदि मानव काल। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, सबसे पहले इस वाले काल में प्रीहिस्ट्रिक पीरियड में जो मनुष्य था उसे ना तो किसी लिपि की जानकारी थी ना ही किसी लेखन से वह परिचित था। ओके, तो यहाँ पर लिख लेंगे, पॉइंट नोट कर लेंगे। फर्स्ट वन रहेगा हमारे पास लिपि व लेखन की जानकारी नहीं, या लिपि व लेखन से परिचित नहीं था। ओके, नेक्स्ट रहेगा आद्र ऐतिहासिक काल। इस वाले काल में क्या हुआ कि जो मनुष्य था वो लिपि से तो परिचित था लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया था, ठीक है। तो लिपि से परिचित लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसके बाद रहेगा हमारे पास ऐतिहासिक काल। इस वाले काल में क्या हुआ कि जो मनुष्य था वो लिपि से भी परिचित था, उसे पढ़ा भी गया था। तो लिपि से परिचित व लिपि को पढ़ा भी गया। अब बात आती है कि हमारे पास प्रागैतिहासिक काल में लिपि व लेखन की जानकारी नहीं थी। आद्र ऐतिहासिक काल में लिपि से तो परिचित था लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था। और लास्ट में रहता है हमारे पास लिपि से परिचित
लिपि से भी परिचित था, उस लिपि को भी पढ़ा गया था। ओके, अब देखते हैं किसमें आता क्या था। तो इसमें आता है पूरा जो आदि मानव का काल रहेगा वो सारा आएगा प्रागैतिहासिक काल में। अब आदि ऐतिहासिक काल में आएगी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें ऐतिहासिक काल में आएगा हमारे पास जैसे प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारे पास आदि मानव काल और आदि ऐतिहासिक काल में आएगी सिंधु घाटी सभ्यता, और ऐतिहासिक में आएगा मध्यकालीन व आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, तो अब हम शुरू करते हैं हिस्ट्री की पहली प्रण प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसे आगे चलकर दो भागों में बांटा गया है, जिसे कहा गया है पाषाण काल और दूसरा रहेगा ताम्र काल। तो शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्रिक पीरियड। ओके, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, इसे भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से काल रहेंगे? पाषाण काल एंड ताम्र काल। पाषाण काल व ताम्र काल। ठीक है, तो अब देखेंगे पाषाण काल को भी आगे चलकर ये भी बहुत लंबी पीरियड रहा है, बहुत लंबी अवधि रही है। ये जो ताम्र काल है वो शॉर्ट अवधि है। ठीक है, तो पाषाण काल को आगे चलकर तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके कौन कौन से तीन भाग रहेंगे तो यहाँ पर हम समझ लेंगे इनको। सबसे पहले फर्स्ट वन आएगा हमारे पास पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जिसे कहा गया है पैलियोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास मध्य पाषाण काल जिसे कहा जाता है मेसोलिथिक पीरियड। एंड लास्ट वन रहेगा हमारे पास नव पाषाण काल, ये है नियोलिथिक पीरियड। ओके, तो ये बहुत लंबी अवधि रही है, हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो ताम्र काल है वो उसका एक ही भाग है, ये शॉर्ट अवधि रही है, मैंने पहले भी बता दिया है आपको। तो हम पहले आप शुरू करेंगे कि जो हमारे पास पाषाण काल है उसकी खोज किसके द्वारा की गई है और कब की गई है। ठीक है, तो लिख लेंगे फर्स्ट वन रहेगा हमारे पास पाषाण काल। इसकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फुट। पाषाण काल की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे पास जो इसमें आती है पाषाण काल की, अब जो पहली शाखा आएगी हमारे पास वो है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। अब पहले इसको शुरू करेंगे पूरा पाषाण काल। इसकी पहले समय अवधि की बात करेंगे कि इसकी जो समय अवधि थी, टाइम पीरियड था, वो कब तक था। तो पूरा पाषाण काल का जो समय था वो 20 लाख ईसा पूर्व टू 12000 ईसा पूर्व
अच्छा 12,000 ईसा पूर्व तक माना गया है कौन सा काल हमारा पैलियोलिथिक पीरियड या पुरापाषाण काल। ठीक है, हो गया यहां तक। तो आगे देखेंगे किस काल में हुआ क्या था। मानव की जो सबसे पहली जो उपलब्धि थी वो कौन सी थी, तो पुरापाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड। तो यहां पर लिखेंगे इसे कहा गया है आदि मानव काल, आदि मानव काल। किस काल को आदि मानव काल कहा गया है, तो हमारा पूरा पाषाण काल को आदि मानव काल कहा गया है। और नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा खाना बदोश काल, खाना बदोश काल। इसी काल को क्या कहा है, खाना बदोश काल। और नेक्स्ट रहेगा हमारे पास कि जो यहाँ पर मानव की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी मानव उपलब्धि, मानव उपलब्धि। मानव उपलब्धि कौन सी थी, तो वो थी आग की खोज। उस टाइम मानव ने क्या किया, आग की खोज कर ली थी। ठीक है, मानव ने आग की खोज तो कर ली थी पूरा पाषाण काल में, लेकिन उसने आग की खोज तो कर ली, लेकिन उसका सही तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा था। तो पूछा जाता है कि मानव ने आग की खोज कब की थी, तो पूरा पाषाण काल में की थी। आप लिखना है नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जो मानव का जो जीवन था, मानव जीवन अस्थिर था, उसका जीवन जो था वो अस्थिर था, स्थिर नहीं था, क्योंकि वो क्या करता था, जहां पर उसको खाना मिल जाता था वहीं पर ही वो खाकर सो जाता था। ठीक है, इसलिए उसका जो जीवन था वो कैसा था, अस्थिर था। नेक्स्ट लिखना है शिकार के लिए बड़े पत्थरों का प्रयोग, शिकार के लिए बड़े पत्थरों का प्रयोग, शिकार के लिए बड़े पत्थरों का यह यूज करता था या प्रयोग करता था। उसे नहीं, अभी तक उसका दिमाग इतना विकसित नहीं था, इसलिए वो क्या करता था, बड़े बड़े पत्थरों को उठाता था और उसी से ही अपना शिकार करता था और शिकार करके ही अपना पेट भरता था। ठीक है, तो शिकार करने के लिए बड़े पत्थरों का वह प्रयोग करता था। अब बात आती है जबकि वो पूरा पाषाण काल में मानव खाना खाएगा, सो जाएगा। ठीक है, जब उसके पास फ्री टाइम बचता था वो क्या करता था, जब उसके पास फ्री टाइम बचता था तो क्या करता था, चित्रकारी करता था। तो पूरा पाषाण काल से ही मानव ने चित्रकारी करना शुरू कर दी थी। तो चित्रकारी, तो चित्रकारी में हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिली, तो चित्रकारी के जो हमारे पास साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से, भीमबेटका की गुफाओं से, भीमबेटका की गुफाओं से हमें यह जानकारी मिली है कि मानव जो था वो फ्री टाइम में क्या करता था, चित्रकारी करता था। और वहां पर जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहां पर है, एमपी में है। तो वहां पर किस प्रकार के चित्र बनाए थे मानव के द्वारा, तो वहां पर भी जो चित्र थे गुफा में वो कैसे थे कि जैसे पशु है, पशु के पीछे जो मानव है वो पत्थर लेके चला हुआ है। ठीक है, शिकार करने के लिए। तो ये था हमारे पास पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास वो आएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है।